सुमन अपने बड़े बेटे और बहू के साथ गांव में रहती थी वहीं सुमन का दूसरा बेटा और बहू विदेश में रहते थे नवरात्रि का समय था छोटी बहू सीमी जो विदेश में थी वो अपने पति राज से बोलती है ए जी क्यूँ न हम लोग इस बार की नवरात्रि अपने गांव में जाकर मनाए वहाँ माँ जी जेठ जी और जेठानी जी भी तो है गुड सोच तो तुम अच्छा रही हो ठीक है गाँव चलते है तुम अपनी पैकिंग कर लो इस तरह सुमन की छोटी बहू सीमी और बेटा राज फॉरेन से इंडिया अपने गांव आ जाता है नवरात्रि मनाने के लिए फ्लाइट से उतर कर कैब लेकर वो सीधे अपने घर चला आता है मन बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती है अरे बड़ी बहू देखो तो कौन आया है देवर और देवरानी आए हैं चाय नाश्ता लेकर आओ आओ बेटा आओ आओ बहू आओ यहां बैठो इस तरह सब साथ मिलकर हंसते हैं बोलते हैं और खाना खाते हैं और फिर रात में सोने चले जाते हैं दूसरे दिन जब सुमन उठती है अरे बड़ी बहू कहाँ हो पूजा का समय निकला जा रहा है जल्दी करो आज नवरात्रि का पहला दिन है आई माँ जी ये माँ जी भी ना सुबह सुबह उठ कर चिल्लाने लगती है इतनी मेहनत से मैं तैयार हुई हूँ पहले खुद को सेल्फी तो ले लू देखो तो शीशे में मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ वा बहुत अच्छा पोज है ये मुँह वाला पोज करती हूँ हाँ हाँ ये आंचल लहराते हुए वाह कितनी सुंदर लग रही हूँ ना मैं माँ जी लगता है किरण दीदी को आने में देरी होगी मैं ये पूजा की थाल सजा कर लाई हूँ तब तक हम लोग पूजा शुरू करते हैं एक अंग्रेजन बहू है जो पूजा की थाल सजा कर लाई है जिसे ठीक से हिंदी बोलनी तो आती नहीं है और एक वो बड़ी बहू को देखो जिसे सेल्फी लेने से तो फुर्सत ही नहीं मिलती जाओ सिमी बहू तू ही पूजा कर ले दुर्गा माँ की पता नहीं ये किरण बहु कब आएगी हाँ माँ जी जय आम गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम तो कौन से दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय आम गौरी इतने में बड़ी बहू भी वहाँ आ जाती है और दुर्गा माँ की सेल्फी लेने लगती है और सिमी की भी वीडियो बनाने लगती है पूजा करते हुए ये क्या कर रही हो बड़ी बहू जब देखो वही सेल्फी वही सेल्फी जब देखो वही वीडियो मोबाइल से तो फुर्सत ही नहीं मिलती तुम क्या माँ जी आप भी ना आजकल सेल्फी का ही तो जमाना है लोग सोशल साइट पर फोटो वीडियो डालकर फेमस हो रहे हैं और हमारी देवरानी भी को तो देखिए साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है मैं तो इसकी वीडियो बनाकर लिखूंगी विदेशी बहू की नवरात्रि पूजा क्यों देवनानी जी सच कहा न मैंने चल चुप कर तेरा सेल्फी हो गया हो तो सीमी बहू के साथ किचन में जाओ और माता का भोग बनाओ और माँ का भोग लगाने के बाद सबके लिए नाश्ता भी बनाओ जल्दी जल्दी सास की बात सुनकर किरण और सिमी दोनों किचन में चले जाते हैं सिमी जल्दी जल्दी माँ का भोग बनाने लगती है और माता को भोग लगा भी देती है और जल्दी से उसके बाद घर वालों के लिए नाश्ता भी बनाती है किंतु किरण सिर्फ सेल्फी और वीडियो ही बनाती रह जाती है कभी खाने की सेल्फी तो कभी देवरानी की वीडियो माँ जी नाश्ता बन गया मैंने टेबल पर सजा दिया है सारा नाश्ता इसके बाद सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं सिमी तुम भी बैठो नाश्ता कर लो नहीं जी मेरा नवरात्रा का व्रत है मैंने फास्ट रखा है आप लोग खाइए तूने भी व्रत रखा है किरण बहू और मेरा भी व्रत है तो तू एक काम कर व्रत का खाना भी बना ले हम तीनों के लिए इतने में राहुल और राज नाश्ता कर कर दोनों बेटे ऑफिस निकल जाते फिर सिमी व्रत का भी खाना टेबल पर लगा देती है अपनी सास और जेठानी के लिए अरे अंग्रेजन तू क्यूँ खड़ी है तुम्हे ये प्रसाद का खाना नहीं खाना है क्या नहीं माँ जी आप लोग खाइए मैं सिर्फ जूस पियूंगी ऐसा कहकर सिमी किचन में जाकर सारी साफ सफाई करती है इस तरह समय बीतता गया सिमी बहुत ही मन से रोज घर के काम करती और माता के भोग बनाती और रोज माता की पूजा आरती करती उधर सुमन अपनी बड़ी बहू के साथ रोज व्रत का ढेर सारा खाना खाती और थोड़ी सी भी गलती होने पर सिमी बहू को डांट लगाती दरअसल सुमन सिर्फ अपनी बड़ी बहू किरण को ही प्यार करती थी इस तरह नवरात्रि का आखिरी दिन भी आया दोनों बहुएं मिलकर कन्या भोजन के लिए खाना बना रही थी अरे किरण बहू तो रखना ये लड़की कुछ खराब ना कर दे भोजन में इसे तो कुछ आता वाता है नहीं फिर भी लवर लवर करती है हर चीज में इसलिए तू तो अपने से सब कुछ देख लेना किसी चीज की कोई कमी ना रहे हाँ माँ जी आप चिंता मत कीजिए मेरे रहते हुए आप क्यों टेंशन लेती हैं सासू माँ तो गई चल तू खाना बना ले मैं तब तक सेल्फी और वीडियो बना लेती हूँ सीमी तरह तरह के खाने बनाती है और किरण सिर्फ फोटो और वीडियो ही बनाती रह जाती है इतने में उसकी सास नो कन्याओं को लेकर आती है अरे बहू कहाँ हो तुम लोग देखो कन्याए आ गयी कन्या के आते ही सीमी बहू कन्याओं के पैर धोकर तौलिए से पैर पोचती है फिर पैरों को अलते से रंगती है और सभी को आसन पर बैठा कर खाना परोसती है और किरण बहू सिर्फ सेल्फी और ही बनाती रह जाती है और इसमें सुमन भी अपनी बड़ी बहू का ही साथ देती है इस तरह नवरात्रि का व्रत सिमी बहू बहुत ही श्रद्धा भाव से पूरी करती है जिसके बाद ही सिमी को अपने काम में बहुत तरक्की होने लगती है वो लगातार ऊंचाइयों के सीढ़ी को छूने लगती है किंतु एक और उसकी जेठानी और सास के बुरे दिन आ जाते हैं वो दोनों जहाँ के तहा ही रह जाती है उसके बाद वो दोनों मिलकर सिमी को भला बुरा बोलने लगती है कि तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं इसमें सिमी का कोई कसूर नहीं है वो बेचारी तो विदेश से आई है इसे तो यहाँ के तौर तरीके भी नहीं पता फिर भी वो मेरी पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से की और कन्याओं को दिल से खाना भी खिलाया इसलिए उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है सिमी तुम चिंता मत करो तुम्हे आगे से कोई कष्ट नहीं होगा पुत्री इतना सुनते ही सुमन और उसकी बड़ी बहू किरण दोनों माता के चरणों पर गिर पड़ती हैं और माता से माफी मांगने लगती है और वो लोग सिमी से भी माफी मांगती हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है इतना कहकर माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है जिसके बाद सिमी और किरण को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी सिमी से माफी मांगते हैं और फिर रोज दिल से माँ दुर्गा की पूजा आरती करने लगते हैं